हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर क्लास इंग्लिश बाय एस डी स्वामी। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ की बुक फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। और आज हम इस फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और जिससे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी ओपन कर सकते हैं और उसमें आप अपनी क्लास के वीडियोज ओपन करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ लेसन फर्स्ट ए लेटर टू गॉड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या आशा थी? होप होती है आशा। देखिए आंसर, लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन। लेंचो ने एक अच्छी बारिश की, एक अच्छी बरसात की आशा की थी। रेन होती है बरसात। ही होप्ड दैट ए गुड रेन वुड गिव हिम ए गुड हार्वेस्ट। उसने आशा की थी कि एक अच्छी बरसात उसे अच्छी फसल देगी। He hoped, उसने आशा की थी that कि a good rain, अच्छी बरसात would give him, उसे देगी a good harvest, एक अच्छी फसल। लेंचो ने आशा की थी कि एक अच्छी बारिश उसे अच्छी फसल देगी। Harvest होती है फसल। And they would live happily for the whole year. और they would live happily, वे प्रसन्नता से रहेंगे। हैप्पीली यानी प्रसन्नता से। फॉर द होल ईयर, होल ईयर होता है पूरे साल। और उसने आशा की थी कि अच्छी बारिश से हमें अच्छी फसल होगी और फिर हम सभी प्रसन्नता से पूरे वर्ष रहेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा। द रेनड्रॉप्स, रेनड्रॉप्स होती है बरसात की बूंदें। वर लाइक न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स होते हैं नए सिक्के। लेंचो ने क्यों कहा कि बरसात की जो बूंदें हैं वो नए सिक्कों के समान है। आंसर देखिए, लेंचो से, लेंचो ने कहा था द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, कि ये बरसात की बूंदें नए सिक्कों जैसी है। बिकॉज, क्योंकि दे वर बेनिफिशियल, बेनिफिशियल होता है लाभदायक होना। फॉर गुड क्रॉप, ये अच्छी फसल के लिए लाभदायक होगी। द गुड क्रॉप वुड ब्रिंग मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। और अच्छी फसल वुड ब्रिंग, लाएगी मनी, धन, एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी होती है संपन्नता। और अच्छी फसल है वो धन और संपन्नता लाएगी, धन और समृद्धि लाएगी। प्रॉस्पेरिटी होती है संपन्नता या समृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द रेन चेंज, बरसात कैसे परिवर्तित हुई। वॉट हैपन्ड टू लेंचोज फील्ड्स, और लेंचो के खेतों में क्या घटित हुआ। देखिए आंसर इसका, हैपन्ड होता है घटित होना, फील्ड्स यानी खेत। आंसर देखिए, द रेन चेंज्ड इनटू ए हेलस्टॉर्म्स, बरसात ओलावृष्टि में परिवर्तित हो गई। हेलस्टॉर्म्स होती है ओलावृष्टि। सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और अचानक एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा। स्ट्रॉन्ग विंड क्या होती है? तेज हवा। बिगेन टू ब्लो, बिगेन होता है शुरू होना, ब्लो यानी चलना। एंड अलोंग विथ, अलोंग विथ, अलोंग विथ का मतलब होता है उसके साथ साथ, द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉन्स बिगेन टू फॉल, और बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। हेलस्टॉन्स होते हैं ओले, बिगेन होता है शुरू होना, फॉल यानी गिरना। लेंचोज फील्ड्स वर कवर्ड विथ स्नो, लेंचो के खेत हैं वो बर्फ से ढक गए। कवर्ड होता है ढक जाना, स्नो होती है बर्फ। हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड,
उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट होगी, टोटली यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो जाना। नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ भी शेष नहीं बचा। नथिंग यानी कुछ भी नहीं, लेफ्ट यानी शेष। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो की मनोभावना कैसी थी, लेंचो के मनोभाव क्या थे। फीलिंग्स होती है मन की भावना, फीलिंग्स यानी भावना, स्टॉप्ड यानी रुकना। आंसर देखिए, व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओलावृष्टि रुकी, लेंचो फेल्ट सैड, तो लेंचो ने दुख अनुभव किया, वो बहुत दुखी हो गया। बिकॉज, क्योंकि इट हैड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, क्योंकि इस ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। एवरीथिंग यानी सब कुछ, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर देना। ऑल हिज वर्क हैड गॉन वेस्ट, उसका सारा कार्य बर्बाद हो गया, उसका सारा काम बेकार हो गया। ऑल हिज वर्क, उसका संपूर्ण कार्य हैड गॉन वेस्ट, बेकार हो गया। वेस्ट यानी बेकार हो जाना। He knew, वो जानता था, that they would have no crop that year, और वो जान गया था कि इस साल उसे कोई फसल नहीं मिलेगी। क्रॉप होती है फसल, क्रॉप यानी फसल। They would have to go hungry the whole year, और उन्हें पूरे वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। हंग्री यानी भूखा, होल ईयर यानी पूरे वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा। देखिए आंसर देखिए इसका, लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखा दैट कि हिज क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल नष्ट हो चुकी थी बाय द हेल्स, हेल्स होते हैं ओले, उसकी फसल ओलों के द्वारा नष्ट हो चुकी थी। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पिसोज, उसने भगवान को 100 पिसोज भेजने के लिए कहा। पिसोज ये लैटिन अमेरिका के जो देश है वहां की मुद्रा है, वहां की करेंसी है। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पिसोज, उसने भगवान को 100 पिसोज भेजने के लिए कहा। टू सो सीड्स, बीज बोने के लिए, सीड्स होते हैं बीज, सो होता है बोना। एंड टू फीड होता है भरण पोषण करना हिज फैमिली, उसने भगवान को 100 पिसोज भेजने के लिए कहा ताकि जिससे वो बीज बो सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ही रोट दैट हिज फैमिली वुड रिमेन हंग्री विदाउट गॉड्स हेल्प, उसने लिखा, ही रोट दैट, उसने लिखा, रोट यानी लिखना, उसने लिखा कि हिज फैमिली, उसका परिवार वुड रिमेन हंग्री, भूखा रहेगा। रिमेन होता है रहना, हंग्री यानी भूखा। विदाउट गॉड्स हेल्प, विदाउट के बिना, गॉड्स हेल्प भगवान की सहायता के बिना उसका परिवार भूखा रहेगा, ऐसा उसने भगवान को लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट व्हेन ही गॉट हेल्प। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया। लेंचो ने कैसे प्रतिक्रिया की, व्हेन, जब ही गॉट हेल्प, जब उसे सहायता प्राप्त हुई तो उसने कैसे प्रतिक्रिया की। देखिए आंसर देखिए, लेंचो वॉज श्योर ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो को भगवान से सहायता प्राप्त होने की पूरी आशा थी। श्योर ऑफ यानी पूर्ण आशा होना, गेटिंग हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता प्राप्त होने की उसे पूरी आशा थी। व्हेन ही गॉट 70 पिसोज, जब उसे 70 पिसोज की सहायता प्राप्त होगी, 70 पिसोज मिल गए, ही डिड नॉट सो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, ही डिड नॉट सो, उसने नहीं दिखाया द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी
सरप्राइज यानी आश्चर्य। उसने जब उसे 70 एपिसोड मिल गए तो उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। बट लेकिन व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने उन पैसों को काउंट किया, काउंटेड यानि गिनना, उस पैसों को, उस धन को काउंट किया, गिनती की, ही बिकेम एंग्री, तो वो नाराज हो गया। एंग्री यानि नाराज हो जाना। ही थॉट, उसने सोचा, देट कि गॉड कुड नॉट हैव डिनाइड हिज रिक्वेस्ट, उसने सोचा कि भगवान उसकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते। डिनाइड होता है अस्वीकार करना, रिक्वेस्ट यानि प्रार्थना। गॉड कुड नॉट हैव डिनाइड, भगवान अस्वीकार नहीं कर सकते हिज रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना को। ही एट वंस, और उसने तुरंत, एट वंस होता है तुरंत, रोट अनदर लेटर, उसने दूसरा पत्र लिखा टू गॉड, भगवान को, टू इन्फॉर्म, ये सूचित करने के लिए, इन्फॉर्म होता है सूचित करना, देट की द पोस्ट ऑफिस स्टाफ, कि पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है, वॉज ए बंच ऑफ क्रूक्स, ए बंच ऑफ क्रूक्स होता है बेईमान लोगों का समूह है। तो लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा तुरंत दूसरा, और कहा कि पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है वो बेईमान लोगों का समूह है। ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने भगवान से प्रार्थना की टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, कि आप शेष जो धन है वो भी भिजवाएं, रेस्ट ऑफ, शेष बचा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्टमास्टर आंसर द लेटर ऑफ लेंचो, व्हाई क्यों, एंड हाउ कैसे, डिड द पोस्टमास्टर आंसर, पोस्टमास्टर ने, जो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमास्टर था, उसने क्यों और कैसे उत्तर दिया द लेटर ऑफ लेंचो, लेंचो के पत्र का पोस्टमास्टर ने कैसे और क्यों उत्तर दिया। देखिए आंसर, द पोस्टमास्टर आंसर्ड द लेटर ऑफ लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो के पत्र का उत्तर दिया बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट वांट टू सेक, क्योंकि वह नहीं चाहता था, वांट यानी चाहना, टू सेक लेंचोज फेथ, क्योंकि वो लेंचो का जो भगवान में अटूट विश्वास था उसको डिगाना नहीं चाहता था। सेक होता है डिगाना। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सेक, वो डिगाना नहीं चाहता था लेंचोज फेथ, वो लेंचो के विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, लेकिन ये कार्य उसके लिए बहुत कठिन था। डिफिकल्ट होता है कठिन। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, हिम यहाँ पोस्ट मास्टर के लिए आया है, लेकिन ये कार्य पोस्ट मास्टर के लिए बहुत कठिन था, टू सेंड 100 पिसोज, 100 पिसोज भेजना, एज ए हेल्प, सहायता के रूप में 100 पिसोज भेजना पोस्ट मास्टर के लिए एक बहुत ही कठिन कार्य था। समहाउ, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, ही कलेक्टेड, उसने एकत्रित किए 70 पिसोज, 70 पिसोज, एंड सेंट देम टू लेंचो, और लेंचो को भेज दिए। थस इस प्रकार से ही हेल्प लेंचो, इस प्रकार से उसने लेंचो की सहायता की। तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को रीड करें। आई होप ये जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं आपके समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें और कमेंट भी करें। और यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।